हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SR ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल पे मैथ क्लास 7 की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हम यहाँ पे दो चैप्टर हम अपने कर चुके हैं, आज हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं। ये हमारे थर्ड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, पार्ट वन में। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग होता क्या है, ठीक है? किसी भी चैप्टर को करने से इससे पहले उसका पता होना चाहिए कि वो है, उसका मीनिंग क्या है, उसका हम यूज़ क्या करेंगे, उससे हमारी डेली लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जब तक हमें किसी भी सब चैप्टर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती है, तब तक हमें उसे करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। देखिए, आपको फ्यूचर में ये जो चैप्टर है बहुत यूज़ होने वाला है आपकी डेली लाइफ में। आपके पेरेंट्स ज़रूर करते होंगे, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखते होंगे, जैसे आपके मार्क्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं स्कूल में। आपने फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स लिए, सेकेंड टर्म में आपके कितने मार्क्स आए, थर्ड फाइनल टर्म में जो क्या होते हैं, उन सब मार्क्स का जो होता है डाटा होता है, उनको कलेक्ट करके देखा जाता है कि आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है, आपने कितने मार्क्स कितने अच्छे से स्कोर किए हुए हैं। तो ये सारी क्या है, इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, वो डाटा हैंडलिंग होती है। तो डाटा का बेसिकली यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन डाटा का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन। और हैंडलिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ को जब हम हैंडल करने लग जाते हैं, उसको सीक्वेंस वाइज जब यूज़ करने लग जाते हैं, कैसे अरेंज करने लग जाते हैं, जब हम उसे किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस वाइज अरेंज करने लग। ऐसा तो नहीं होता कि आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स हमें फाइनल में दिखाते हैं, या सेकेंड टर्म के मार्क्स हम फर्स्ट टर्म में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस वाइज जो अब आपकी प्रोग्रेस होती है, कि आपके फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए 5, सेकेंड टर्म में आपके मार्क्स आए 10, तो आपका फाइनल टर्म आने से पहले आपके टीचर्स आप देखते हैं कि आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। आप पहले 5 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, आप 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, ये कैसे कैसे होती है, अरेंज होती है, ये सीक्वेंस वाइज अरेंज होती है, ठीक है जी? या तो असेंडिंग में अरेंज होती है या डिसेंडिंग में अरेंज होती है। तो डाटा हैंडलिंग का मीनिंग आपको पता लग गया होगा, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम अरेंज करने लग जाते हैं इन अ गुड वे, तो वो क्या होता है, ये एक डाटा हैंडलिंग होती है। तो मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, एज ए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपकी क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट हैं, ओके? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। यहाँ पे हम बना देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, आप यहाँ 10 स्टूडेंट एक क्लास के अंदर। आप सपोज जैसे आपकी क्लास में मैथ्स के टेस्ट होते हैं, तो उनके रिजल्ट आते हैं, तो बहुत उस टाइम नर्वस होते होंगे कि हमारे मार्क्स कितने आए कितने आए हैं। तो ऐसे ही इन 10 स्टूडेंट के मार्क्स आए हुए हैं, इनका टेस्ट हुआ था। फर्स्ट के आए हैं 5 मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 6, थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 6, फोर्थ के आए हैं 8, फिफ्थ स्टूडेंट के आए हैं 7। और ऐसे जैसे आपको पता चलता होगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने आए हैं, तो आप बहुत उस टाइम आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगता होगा, जब आपको ये पता लगता होगा कि आपके फ्रेंड्स के मार्क्स आपसे कम आए हैं, तो आप उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके फ्रेंड्स के मार्क्स आपसे कम आए होते हैं, तो आप बड़ा प्राउड फील करते हैं। ऐसे सपोज यहाँ पे देखो 10 स्टूडेंट हैं, इनके मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे समझ लो सो हाईएस्ट मार्क्स है आप ही हो वो, ठीक है? और लोएस्ट वाला आपका फ्रेंड है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे अरेंज करना होता है। ये हमारे पास क्या है, एक डाटा है। किस चीज़ का डाटा है, मैथ्स के एग्ज़ाम हुआ जो, उसके अंदर कितने मार्क्स आए, आउट ऑफ 10 में से आए हैं, ठीक है? यहाँ पे ये मान के चलिए आउट ऑफ 10 में से आए हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है? मैं भी आपको बता देती हूँ। आपके क्या हैं, 10 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स दिए हैं। तो हम देखो मार्क्स को कैसे लिखते हैं। हम यहाँ पे मार्क्स जो हमें दी गिवन है, हम ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे यहाँ पे है 5 6 6 8 9
7, 5, 4, 8, 9 और 3 का आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आप इनको यहाँ पे अरेंज कर लेना, 10 तक यहाँ पे स्टूडेंट हैं ये। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, 10 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है। अब हम इनको क्या करते हैं, टैली मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। टैली मार्क, टैली का मतलब हम टैली करेंगे कि हमारे जो मार्क्स हैं वो किस कितने स्टूडेंट के कैसे मार्क्स आए हुए हैं। तो टैली मार्क्स में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर है 3, तो हम यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3। अगर यहाँ पे नंबर होता 2, तो हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करते। ठीक है, हम इसको मार्क्स को क्या करते हैं, टैली मार्क्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको अगर बोला जाए कि इन मार्क्स को टैली मार्क्स में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इस तरीके से जितने डिजिट दी रखी होगी उतने आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 है, आपने 3 लिख दिया। अब ये 5 को कैसे लिखेंगे, देखो 5 को आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4। 4 तक तो लिख दिया आपने, लेकिन 5 के लिए अलग ऐसे क्रॉस में लाइन डालेंगे। ओके, ये आपके टेलिंग मार्क्स में कन्वर्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे 6 है, तो आप ये डालेंगे 1, 2, 3, 4, ये आपका 5 और एक्स्ट्रा 6। ठीक है, कभी भी अगर आपको यहाँ पे ऐसी, अगर सपोज दैट आपको ये मार्क्स गिवन नहीं है, आपको टैली मार्क्स दे रखा है, आपको बोला है कि यहाँ पे बताइए कौन से मार्क्स हैं, तो आप ये इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, और जो स्लैंट में लाइन जो डली हुई है उसको काउंट करेंगे 5। ओके, ऐसे आप यहाँ पे सारे जो नंबर आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। आपका अगर 8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका हो गया 4, ये आपका 5, 6, 7, 8, इस तरीके से डालेंगे। अगर यहाँ पे 10 हो जाता, तो 5 पे आपने स्लांट लाइन लगाई है, तो यहाँ पे अगेन 4 पे एक और स्लांट लाइन लगाएंगे, ये आपका 10 में काउंट हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे जैसे भी ये क्या होते हैं, हमारे टैली मार्क्स होते हैं जिसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए, अब कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं, ये यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डालनी होती है। जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट देख लीजिए, 5 मार्क्स, तो आप यहाँ देखिए 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं। यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट के आए हैं, और यहाँ पे 2, तो 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 2 स्टूडेंट के। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी डिजिट कितनी बार रिपीट हुई है, कोई भी, अगर यहाँ मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, तो कोई मार्क्स कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। यहाँ पे 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। ओके, यहाँ पे 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, देखो 1, 2, और कोई 6 है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। ओके, अब यहाँ 8 कितने टाइम्स में रिपीट हुआ है, 8 हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुआ है अगेन, तो 8 भी हमारा 2 टाइम्स में हो जाएगा। 7 हमारा कितने टाइम रिपीट हुआ है, देखो 7 हमारा सिंगल डिजिट है सिर्फ, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। जितनी बार कोई डिजिट रिपीट होती है वो क्या होती है, हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाती है। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, आप जैसे कोई भी डिजिट, सपोज यहाँ 4 है, तो 4 का हमारा एक ही बार आ रहा, रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये वहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके, तो जो डिजिट जितनी बार रिपीट होती है उतनी बार यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी डिजिट लिखते हैं। अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, कोई मार्क्स रिपीट नहीं हो रहा है, डाटा रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप उसको सिंगल लिखेंगे कि सिंगल टाइम में आया है। ओके, आई होप कि आप समझ चुके होंगे इतना। तो मैं अब आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ कि बेसिकली हमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट पेन ले लेते हैं, हम करेंगे रेंज। ठीक है, रेंज करेंगे, मीन करेंगे। आप अपनी बुक में देखिए, आप एग्जाम्पल्स में देखिए, आपको यही, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही इनके बेसिस पे आएंगे। आपसे स्मॉल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मीडियम की बात करेंगे हम यहाँ पे, कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, जिसमें आपको बता रही हूँ मैं, ये आपको यूज़ करना है आगे, मैं क्वेश्चंस आपको आगे कराऊंगी और हम मोड की बात करेंगे। पूरा चैप्टर जो है हमारा इन पे डिपेंड का है। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन में आपसे रेंज पूछी जाएगी, या मीन पूछा जाएगा, या मीडियन पूछा जाएगा, या मोड पूछा जाएगा।